तो फाइनली दोस्तों सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 मूवी में से भूल भुलैया 3 मूवी के मेकर्स ने मूवी के टीजर को रिलीज कर दिया है, जिसे दोस्तों देखने के बाद पब्लिक के अलग अलग तरह के रिएक्शन निकल कर सामने आए हैं। जी हां दोस्तों, कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 3 मूवी के टीजर को देखने के बाद काफी सारे लोगों ने मूवी के टीजर को नेगेटिव रिव्यू दिए हैं, जिनमें दोस्तों इनका कहना है कि भूल भुलैया 3 मूवी के अंदर अक्षय कुमार का कैमियो होना चाहिए था, क्योंकि दोस्तों जैसा कि आप जानते होंगे भूल भुलैया मूवी के अंदर अक्षय कुमार के रोल को फैंस ने कितना पसंद किया था और इस मूवी के पार्ट 2 को भी पार्ट 1 की वजह से पसंद किया गया था, और इस बार अभी मूवी में अक्षय कुमार नहीं है, इसलिए मूवी को पब्लिक की तरफ से उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिलेगा जितना इस मूवी के पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिला था। तो वहीं दोस्तों दूसरी तरफ काफी सारे लोगों का ये भी कहना है उन्हें इस मूवी का टीजर काफी पसंद आया है और ये मूवी भी इसके पार्ट 2 की तरह सुपर हिट होने वाली है। दोस्तों आपको बता दें भूल भुलैया 3 मूवी का टीजर 1 मिनट 47 सेकंड का है, जिसमें दोस्तों कार्तिक आर्यन, तृप्ति डिमरी और विद्या बालन की शानदार झलक देखने को मिली है। अब दोस्तों मूवी की स्टोरी कैसी होगी ये तो दोस्तों मूवी के ट्रेलर को देखने के बाद ही अंदाजा लगाया जाने वाला है, और दोस्तों आपको जानकर भी खुशी होगी क्योंकि रोहित शेट्टी की सिंघम अगेन मूवी का टीजर भी जल्द देखने को मिलने वाला है। अब दोस्तों इस मूवी के टीजर पर फैंस का कैसा रिस्पॉन्स होगा ये भी जल्द देखने को मिलने वाला है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है सिंघम अगेन मूवी का टीजर कैसा होने वाला है और आपको कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 3 मूवी का टीजर कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और अगर आपको भी सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 मूवी का बेसब्री से इंतजार है तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं जल्द नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।